गुड मॉर्निंग, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज जो वीडियो हम डालने जा रहे हैं वो है ब्रेड, गेहूँ के आटे से ब्रेड। क्योंकि मैदा वाला तो कभी कभी कोई चीज़ बना लेते हैं लेकिन चाहते नहीं है बनाना कि मैदा से कोई चीज़ बनाए, क्योंकि खा नहीं पाते। तो हमको लग रहा था कि क्यों ना गेहूँ के आटा से ही ब्रेड बनाए। तो फर्स्ट बार बनाए हैं, पहले कभी नहीं बनाए थे गेहूँ के आटा से या फिर मैदा से नहीं बनाए। तो ब्रेड बनाए गेहूँ के आटा से, तो उसी का रेसिपी है, आप लोग देखिए और देखिएगा कि सही बना है या नहीं, क्योंकि हम भी फर्स्ट बार बनाए हैं। तो आप लोग देखिए और हमको कमेंट्स करके ज़रूर बनवाइए, बताइएगा कि कैसा बना है या कहीं गलती हुआ है ये भी बताइएगा। अपने तरफ से तो हम पूरा कोशिश किए हैं, लेकिन हो सकता है फर्स्ट बार बना रहे हैं तो कहीं गलती भी हुआ होगा, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। तो ये है गेहूँ के आटे से बना हुआ ब्रेड, हालांकि मेरे पास ब्रेड का मोल्ड नहीं था। तो यहाँ ये कांच वाला कटोरी है, उसे दो कटोरी और ग्राम में होगा 300 ग्राम आटा, गेहूँ का आटा। इसको अच्छे से छान लेते, छान करके उसमें दो चम्मच मिल्क पाउडर डाल दी, और ये है छोटा चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी और एक चम्मच इंस्टेंट टेस्ट। इस सबको पहले मिला लेंगे अच्छे से। और एक चम्मच ऑयल, सबको अच्छे से मिक्स कर लिए। उसके बाद ये गुनगुना पानी था, गरम नहीं गुनगुना पानी, उससे आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिए, मतलब थोड़ा गीला ही आटा लगाना था, टाइट नहीं, गीला गीला ही आटा रहे। तो हाथ में चिपक रहा था तो थोड़ा सा ऑयल लेके उसको अच्छे चिकना करके मसल लिए। तब तक मसले जब तक कि चिकना आटा ना हो जाए। उसको फिर हाथ से भी अच्छे से मसल लिए। गोल करके देखिए चिकना हो गया आटा। अब इसको 1.5 घंटे के लिए एक टॉवल से ढक के रख दिए। टॉवल से ढक दिए अच्छे से। और एक प्लेट भी रख दिए ताकि खमीरी इसमें जल्दी से उड़ जाए। और 1.5 घंटे के बाद देखिए फूल के आटा डबल हो गया था। तो इसको हाथ से फिर एयर निकालने के लिए पंच मारे, उसके बाद फिर अच्छे से इसको फिर से ऑयल थोड़ा सा देके इसको मिक्स किए। तो अच्छे से उसको चिकना ही कर लेना था, हालांकि ब्रेड वाला मोल्ड रहता तो उसको बेल के अच्छा सा मतलब फ्लैट जैसा बना के उसके बाद रोल करके डालना, लेकिन मेरे पास तो वो वाला नहीं था तो हम केक वाला टिन में ही पहले
देख करके देखें। इसको गोल कर लिए अच्छे से पैक करके, अब इसको सेट कर देते हैं। और हाँ, केक वाला टिन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिए थे ताकि चिपके ना, तो चारों तरफ से इसको सेट कर दिए। सेट हो गया अच्छे से, सेट कर दिए ताकि इसमें एयर ना रहे अंदर में। फिर उसको 10 मिनट के लिए, मात्र 10 मिनट के लिए ढक के रख दिए थे। तो देखिए फिर से फूल गया। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा दे रहा, ऑयल लगा के अच्छे से। हालांकि इसको अगर जो 1 घंटा के लिए फिर छोड़ देते तो पूरा फूल जाता, डबल हो जाता। ऑयल लगा दिए और यहाँ कढ़ाई में नमक डाल के और स्टैंड को डाल के गरम कर लिए थे अच्छे से, 10 मिनट के लिए गरम कर लिए थे। और स्टैंड को उल्टा करके रखे हैं क्योंकि सीधा करके रखने से वो ऊंचा हो जा रहा था, फिट नहीं आ रहा था। इसको पहले छोटा वाला प्लेट से इसको ढक दिए, उसके बाद फिर कढ़ाई को बड़ा प्लेट से ढके। तो ये 10 मिनट बाद का है, तो 10 मिनट बाद ऐसा हो गया था। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल कर लगा दिए, फिर उसके बाद करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दिए। तो देखिए ब्रेड बनके तैयार, ये मेरा ब्रेड बनके रेडी है। ये हो गया आटा ब्रेड, केक नहीं है, ब्रेड है। इस तरफ से देखिए और फिर इस तरफ से देखिए। अभी तो गर्म है लेकिन आटा ब्रेड तैयार। मेरे पास ये वाला मोल्ड था, ब्रेड वाला मोल्ड नहीं था, तो सोचे इसी से ट्राई करके पहले देखते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो बन तो गया, अच्छा ही बना आटा ब्रेड, स्पंजी फ्लफी। वाओ, अभी गरम है, ये हो गया आटा ब्रेड।
मस्त बन गया।